कीवे रिसर्च में सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है वो ये है कि पहले तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं उसके बाद हम फिर इसको नैरो करते हैं इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि की वे रिसर्च में पहले पूरा एक्सपोजर मैंने आपको बताया कि आपने लेना ज़रूरी है जो कि स्टेप नंबर वन है अगर आपका पूरा एक्सपोजर नहीं होगा तो आप वो ऑडियंस मिस करेंगे जो आपको डिफरेंट वेड नेम से सर्च कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी प्रोडक्ट या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट किस किस तरह से सर्च होती है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने यहाँ हज़ारों या आ, मतलब सैकड़ों की तादाद में जो आपने कीवर्ड रखे हैं वो सब आपसे रेलिवेंट भी हैं जब आपने एक दफ़ा उसको एक्सपेंड कर लिया अब आप आएंगे उसको नैरो करने पर नैरो कैसे करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपने हर पेज पे एक फोकस कीवर्ड रखना होता है और उसके कुछ रिलेटेड उससे मिलते जुलते एक कीवर्ड का ग्रुप बनाना होता है और ये कीवर्ड सिर्फ उसी एक पेज पे रहेंगे जिस पेज पे आपने उसको साइन किए हैं और ये डुप्लीकेट नहीं होंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मार्टफ़ोन का एक पेज बनाया था तो आपने उसका प्राइमरी कीवर्ड स्मार्टफ़ोन रखा स्मार्टफोन से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन इन लाहौर स्मार्टफोन पाकिस्तान इस तरह के आपने कीवर्ड जो है उससे रिलेटेड उसी पेज के ऊपर एक ग्रुप बना के ऑप्टिमाइज़ कर दिए उससे ये होगा कि आप ये कीवर्ड्स कहीं और यूज़ नहीं करेंगे जब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन आपकी नहीं होगी अगर आप करेंगे तो गूगल कन्फ्यूज़ रहेगा कि पेज नंबर वन रैंक करना है या पेज नंबर टू रैंक करना है सो स्टेप नंबर टू हमारा ये है कि आपने जब कीवर्ड रिसर्च कर लिया उस कीवर्ड को आप नैरो डाउन करेंगे पेजेस के ऊपर आपके पेजेस अगर पहले से बने हुए हैं तो उनको कीवर्ड असाइन करें कि आपने होम पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है आपने सर्विसेज uh, पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है आपने प्रोडक्ट्स पे कौन सा कीवर्ड रखना है और मैंने ये भी uh, आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कोई पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई वेबसाइट है अभी लॉन्च ही नहीं हुई या अभी लॉन्च हो रही है या उसने चार पाँच पेजेस की वेबसाइट बनाई थी आपको लगता है कि उस पर पे ज़्यादा पेजेस बनने चाहिए तो ये कीवर्ड रिसर्च जो आपने एक्सपेंशन की थी इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो डायमेंशन नज़र आएंगी वो 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 मिसिंग जो है अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगी जिनके ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक सर्टेन कीवर्ड वर्ड दस हज़ार दफ़ा सर्च हो रहा है लेकिन क्लाइंट से वो रिलेटेड भी है बट क्लाइंट ने उस पेज उस कीवर्ड के नाम से एक पेज बनाया ही नहीं है जो बन सकता था आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमें बनाना है ये ये कीवर्ड एक एज अ पेज हम ऐड करेंगे इस पर कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे और ये कीवर्ड के साथ ये कुछ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं जो कि इसी पेज पे एडजस्ट हो जाएंगे तो हम इन कीवर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को एक पेज पे असाइन करते हैं और ये पेज का नाम एक नया नाम जो है वो कीवर्ड से अराउंड रखा जाएगा तो बेसिकली कीवर्ड को एक्सपेंशन से आपको वो फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्या क्या जो मिसिंग पार्ट हैं आपको सब नजर आएंगे कि मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप उसको यूज़ कर सकेंगे लेकिन फिर आपने उसको नैरोडाउन करना है उनमें से फिल्टर आउट करना है वो प्रॉपर कीवर्ड्स जो आपने पेजेस पे असाइन करने हैं एक प्राइमरी कीवर्ड हर पेज के ऊपर उसके कुछ रिलेटेड या ग्रुप ऑफ़ की या टर्शरी और सेकेंडरी की भी आप उसको बोल सकते हैं जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे ग्रुपिंग करके ग्रुप को पेजेस पे असाइन करेंगे और मेक श्योर sure ये करेंगे कि वो कीवर्ड्स दूसरे ग्रुप्स पे ना जाएं ताकि आपकी डुप्लीकेशन ना हो और आप एक सर्टेन फोकस्ड अप्रोच से गूगल को ये बता सकें कि भाई ये सर्टेन कीवर्ड के ऊपर मेरे पास एक पेज है इस सर्टेन दूसरे कीवर्ड के ऊपर मेरे पास दूसरा पेज है और इस तरह से करते करते हर पेज एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर रहा है इससे डुप्लीकेशन भी नहीं होगी इससे आप अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी लेंगे आप अपना कॉन्टेंट एक्सपैंड कर लेंगे आप जो है गूगल को ज़्यादा जो है ऑप्शन देंगे कि आपको ज़्यादा की के ऊपर रैंक कर सके और फिर यही की आपको बाद में हेल्प करेंगे मजीद कॉन्टेंट क्रिएट करने में स्टेप नंबर वन कीवर्ड रिसर्च करें एक्सपेंड करें स्टेप नंबर टू उसको नैरोडा करें और अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को जो आपको चाहिए उनको हाईलाइट करके शॉर्टलिस्ट करके सेपरेटली पर पेज असाइन कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये सब की कौन से पेज के ऊपर हैं और इस तरह से करते चले जाएँ अगर आपके हज़ारों की तादाद में पेजेज़ हैं तो आपको ये काफ़ी टाइम लग सकता है लेकिन अगर आपके पास दस पंद्रह बीस पेजेस की वेबसाइट है तो इस पर इस बात है कम टाइम लगेगा लेकिन इन शॉर्ट यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है सब पेजेस के ऊपर